क्या कर रहे हैं हम लोग, पत्नी या दो है काम? हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मुझे मैसेज अभी के मिल रहे हैं। अच्छा, वी आर डूइंग सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इजंट इट? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, डीपीपी सभी ने सॉल्व किया, सभी बच्चों ने? यस यस सर। डीपीपी में कोई डाउट किसी का पूछना है? डीपीपी डिस्कशन एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट कैन आस्क? नहीं? यस एक्सक्यूज मी सर, सर जो लास्ट वाली डीपीपी थी जो लास्ट क्लास की अपलोडेड थी सर, मैं वो वाली नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मैं वो जल्दी कर लूंगा सर। हाँ, जल्दी कर लेना उसे। डीपीपी सॉल्व करना मस्ट है सभी बच्चों के लिए, उसी से आपका रिकॉर्ड काउंट होता है, मतलब वो भी रिकॉर्ड में इंक्लूड होता है। चलो, किसी का कोई डाउट है जहां तक पढ़ा दिया है? पूछ लो, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर, डाउट है सर, हाँ बताइए। जो हमने उस दिन वर्ड चेंज आफ्टर अक्टूबर किया था ना, एक बार सर वो दोबारा रिवाइज करा दीजिए। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? ओके, और किसी का कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? स्विच सर स्विच ऑन योर कैमरा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन योर कैमरा। हर बार आप लोगों को बताना पड़ता है। आइडियली अगर देखा जाए, जब क्लास स्टार्ट होती है तो मैं कहते ही हूँ स्विच ऑन, बाद में भले स्विच ऑफ हो। दीपशिखा, वैभव, जय, अभिषेक, मैम सक्सेना, गुड, सभी बच्चों से कह रहा हूँ मैं। संचित गोयल, संचित कैन यू हियर मी? संचित गोयल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हाँ, आपने रिसेंटली मुझे मेल किया है? यस सर, मैंने करा था। हाँ, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, आप ऐसे ही बनाते रहिए नोट्स। ओके, ओके सर। और ओके, तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? युक्ति, वार्षिणी, युक्ति। सर एक बार सिविल वॉर वाला भी बता देना। युक्ति, कैन यू हियर मी? यस सर, आपने इस बार नोट्स भेजे थे बना के? वेरी यस सर। गुड। तो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके नोट्स मुझे मिलते रहते हैं बराबर, क्योंकि ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे वो अपने टाइम पे नोट्स बना के भेजते रहते हैं। सर हाँ एक्चुअली मेरी जो वो है सर, हाफ ईयरली एग्जाम्स अप्रोच करने वाला है, तो सर मैं नोट्स नहीं बना पा रहा, टीचर्स बहुत काम दे रहे हैं सर, मैं चलिए, आपको ठीक भेज दे पा रही। है, भेज दीजिए। हाँ सर सर, मेरे भी आने वाले हैं, और सर जो सोशलिज्म चैप्टर है सर वो एस ए टू का चैप्टर है लास्ट में, तो सर मैं उसके नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ। ओके, ठीक है, बट आप लोगों को जो है बनाना तो होगा ही, बनाओगे तभी ये चैप्टर यस समझ में भी सर, आएगा। मैंने सोशलिज्म का नोट्स नहीं बनाया, उसके पहले पीपल अगर जिसका लास्ट क्लास का नोट्स नहीं बनाया, उसके अलावा मैं आपको भेज दूंगा, उसके पहले का सब भेजा हुआ है आपको। चलो ठीक है, आप लोगों का रिसेंटली जेएसटीएससी का तो पेपर हुआ है? सर वो यस सर, JC 5। यस हाँ, सर, यस सर, तो सभी का पेपर कैसा गया? बढ़िया, सर यस सर, 40 अच्छा पॉइंट था, यस हो गए सर, सर SSC में। बहुत इजी था वो तो। सत्यम सर गुड, कुछ कह रहे हो आप? सत्यम गोयल, सर कह रहे अच्छा गया था, 48 आए थे। वेरी गुड, 48।
हालांकि 50 out of 50 आने चाहिए सभी के। किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसका 50 out of 50 आया है? Anyone 50 out of 50 in GSTSC? Strange. 49. इतना टफ तो मैंने पूछा नहीं था। 48. सत्यम है ना सर? मेरे भी 48 है। ओके 48 आपके भी हैं। 48 कह रहा मैं। 48 4848 कह रहे हो ना सत्यम? यस सर 4840। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो 48 ठीक है, गुड है, बट 49 50 बहुत ज़्यादा अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम आएंगे। ओके तो वी आर डूइंग सोशलिज्म हियर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ओके अर्णव, अर्णव सिंह। यस सर। ये सिविल वॉर वाला पोर्शन बताओ। सर सिविल वॉर वाला। ओके सर। सर जो हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था। वेट वेट सर, वेट, वेट। yes, किसी बच्चे का ये डाउट है, किसने पूछा था ये डाउट? सो मनोज। मनोज ठीक है, मनोज यहाँ से सुनना, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ। सर बताऊं? कंटिन्यू। यस सर। सर जो हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद बोल्शेविक्स मेन पावर में आ गए थे। बोल्शेविक्स और व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी लाए थे और इन्होंने जो ये काम पहले बता रहे थे कि हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, ये उसका जस्ट अपोजिट कर रहे थे। ये सोशलिज्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे थे। और सर इसके बाद फिर इन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट काम किया था कि इन्होंने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया था। अब जब इन्होंने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाया उसके लिए इन्होंने ऑर्डर दिए, तो कई सारे सोल्जर्स जो आर्मी में थे वो तो पीजेंट्स थे, तो उनको भी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना था। इसके अलावा जो नॉन बोल्शेविक्स थे और लिबरल्स और वो भी आ गए हमारे इसमें रेडिकल्स, ये लोग भी गए और इन्होंने सर क्या कहते हैं कि इन्होंने भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट इन्होंने भी कुछ करने की सोची और इन्होंने भी अपने ग्रुप्स बनाए अगेंस्ट द रेड्स, रेड्स यानी बोल्शेविक्स। और फिर एक ग्रुप बना वाइट जो कि जार को ही सपोर्ट करते थे, जार निकोलस टू, और वो ग्रुप था प्रोजारिस्ट्स का। और एक ग्रुप बना ग्रीन्स जो कि थे सोशल डेमोक्रेटिक्स। और सर जो सिविल वॉर हुई वो इन्हीं तीन ग्रुप्स के बीच में हुई। इसके बाद इसमें हम एक्सटर्नल कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस देखेंगे वो ये है कि फ्रांस हो गया और अमेरिका और जापान और एक और कंट्री थी, इन्होंने इनकी इस रिवॉल्यूशन में इन्होंने भी सपोर्ट किया था ताकि ये सोशलिज्म के आइडियाज को ये पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ पाए, ताकि सोशलिज्म इनकी कंट्रीज में इनके मोनार्की। यस सर। वाइट, ग्रीन और यहाँ पे रेड, यही तीन है। तो आप कह रहे हो वाइट ग्रीन जो है रेड के अगेंस्ट है और वाइट और ग्रीन को एक्सटर्नल फोर्सेस भी हेल्प कर रही हैं, आप ये कह रहे हो? यस यस। ओके ठीक आगे। यस सर। तो उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी हेल्प कर रही हैं ताकि वो सोशलिज्म को पूरी तरीके से रशिया से निकाल पाए और सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो यहीं पर खत्म। बोल्शेविक ने ऐसा क्या किया था कि इनके अगेंस्ट इनको आना पड़ा? सर किन सर आप ये पूछ रहे हैं? बोल्शेविक रेड ने ऐसा क्या किया कि जिसके अगेंस्ट ये ग्रीन और वाइट आ गए? यस सर। सर बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने एक काम किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एंड जो लैंड थी उसी को उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, जिसकी वजह से जो लैंड पुराने नोबल्स की थी जो जार के सपोर्टर थे उनसे छिन गई थी, इसलिए वाइट सिंपल के अगेंस्ट आ गए थे। और दूसरी बात, वेट 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 लिसन, ये जो है बोल्शेविक जब पावर में आते हैं व्लादिमीर लेनिन, सो ही बिकेम अथॉरिटेटिव, ठीक है, आपने इससे पहले यही पढ़ा, ही बिकेम अथॉरिटेटिव। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली है, विच वन इज विच असेंबली? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनसे उनसे ज्यादा वो जो है कि उनके वर्क को वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और उन्होंने उसको डिसमिस किया, ठीक है, उसको इग्नोर किया, कह रहे हैं कि ये इससे ज्यादा सोशलिस्ट तो हमारे ऑल एशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है। उसके अलावा इन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशन जर्मनी से,
ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने वन पार्टी सिस्टम बना दी, वन पार्टी स्टेट बना दिया वही सिस्टम, और वही ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पार्लियामेंट बन गया, और इन्होंने सीक्रेट पुलिस भी लाई, ठीक है, चेका फर्स्ट, OGPU, NKVD बताया था ना, तो ये सारे मेजरमेंट से इनके ऐसे थे जो अथॉरिटेटिव थे, तो एज अ सोशलिस्ट यू शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव, सो यू बिकेम एन अथॉरिटेटिव, दैट्स व्हाई मेनी पीपल वर अगेंस्ट देम, अगेंस्ट बुश, ठीक है. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ वे, आई मीन ऑल्सो अ पॉइंट, बट यू विल से इन दिस होलिस्टिक मैनर. एक्सक्यूज मी सर, हां ओके सर, मतलब देखा जाए तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बोल्शेविकों ने थोड़ी करवाया था, वो तो रशिया के जो नेटिव सोशलिस्ट थे उन्होंने करवाया था ना. बोल्शेविक तो फरवरी के बाद ही आया ना, बोल्शेविक में लेनिन अप्रैल में आया ना, तो वो तो फरवरी में हुआ. यस सर, इसलिए मैं कह रही थी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, वो तो रशिया के खुद के सोशलिस्ट ने करवाया था, बोल्शेविक ने मदद की थी. बोल्शेविक ने मदद नहीं की थी, बोल्शेविक के ग्रुप तो पहले ही से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, बोल्शेविक मेंशेविक, तो उसमें कौन बोल्शेविक मेंशेविक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट लेनिन ने अब जब अप्रैल में आता है वो, तो उसको और जो है कि सीरियसली लेकर वो कहता है सोवियत को पावर को स्वीकार करना चाहिए. ओके, उसमें डिमार्केशन नहीं है कि कौन सोवियत कौन बोल्शेविक है कौन मेंशेविक है. ओके चलो ठीक है, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कंटिन्यू करो अर्णव, और क्या बता रहे थे आप? यस सर, तो उसके बाद जो वाइट से प्रोजारिस जो थे उनकी ही लैंड छीनी गई थी, तो उन्होंने फिर बहुत ही हार्ड स्टेप्स लेना शुरू कर दिया उनके अगेंस्ट पीजेंट्स जो जिन्होंने उनकी लैंड पर कब्जा कर लिया था, और इसकी वजह से जो नॉन बोल्शेविक्स थी बोल्शेविक पार्ट मतलब एसोसिएशंस थी उनकी जो इमेज थी वो कॉमन मासेस के बीच में बहुत ही खराब हो गई थी, और इसकी वजह से बोल्शेविक्स को एक पॉइंट मिल गया कि वो अपनी छवि को फिर से थोड़ा सा सुधार सकें और वापस वो पावर में आ सकें. सर फिर इसके बाद जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कॉपरेशन भी करना शुरू कर दिया, एक तो जो नॉन रशियंस थे औरों से कॉपरेशन लेना शुरू किया, औरों से का कॉपरेट मिलना शुरू हो गया, कॉपरेशन मिलना शुरू हो गया, जिसके वजह से उनके स्टैंड थोड़े और क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं. ओके सर, ठीक है सर, तो उन्होंने नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और मुस्लिम जादिदिस्ट जो थे उनसे उनको कॉपरेशन मिलना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने उनका स्टैंड और सुधर गया. सर इसके बाद थोड़ा सा मुझे भी बताएं, इसके बाद वाला सिविल वॉर का पेपर तो यस सत्य कंटिन्यू आफ्टर दिस सत्यम गोयल. सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आई आखिरी की दो आखिरी में इन्होंने कहा कि इन्होंने नॉन नेशनलिस्ट से भी हेल्प लिया बोल्शेविक ने, तो उसके बाद क्या हुआ? सर उन्होंने जो नॉन नेशन नेशनलिस्ट थे और उसके बाद जो मुस्लिम जादिदिस्ट थे वो उससे उन्होंने हेल्प लिया, लेकिन सर जैसे कुछ रशियन कॉलोनिस्ट थे वैसे ही वो अपने आप ही बोल्शेविक में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पे कॉपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन एक खीवा नाम की जगह है सेंट्रल एशिया में, सर वहाँ पे क्या हुआ कि जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे आई थिंक, हाँ बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे सर, उन्होंने बहुत ही ब्रूटली मार दिया था नॉन रशियन लोकल नेशनलिस्ट को मार दिया था उन्होंने, इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म. तो सर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो गया कि बोल्शेविक एक्चुअली में दिखाना क्या चाहता है, क्योंकि एक जगह पे वो नेशनलिस्ट की हेल्प ले रहे हैं और एक जगह पे वो नेशनलिस्ट को इतना ब्रूटली मैसेकर कर रहे हैं उनका, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे. लेकिन इसके बाद इस सिचुएशन को मतलब कुछ समय के लिए सिचुएशन को ठीक करने के लिए उन्होंने बोल्शेविक्स ने क्या किया कि यूएसएसआर जो स्टेट था जो उन्होंने रशियन एम्पायर से बनाया था, तो सर उस स्टेट में इन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी थी सर, मतलब फ्रीडम दे दिया था एक तरीके से, पॉलिटिकल फ्रीडम इन नॉन नेशनल. यूएसएसआर कब बना था सर? यूएसएसआर आई थिंक 1917 में बना था शायद, 1922 में बना था. ओके सर, 1922 में बना था सर.
सर यूएसएसआर 1992 में बना था सर, उसके बाद लेकिन सर उसके बाद कुछ पार्ट लिखा जाता है। 1922 में यूएसएसआर बना, उस वहां पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी, ठीक है, बट ये सिर्फ कहने के लिए है। मेन जो फाइनल डिसीजन था, ठीक है, रिलेटेड टू द एंटायर यूएसएसआर, वो रशिया ही लेता था। ओके, थोड़ी बहुत जो है कि लॉज थे जो कि इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे, जो लोगों को नाराज कर रहे थे, लोगों के लिए फेवरेबल नहीं थे, वो था उनमें से एक था आपका नोमैडिज्म, है ना, ये सारी चीजें हैं। ये तो एंड का सिविल वॉर खत्म हो गया है, सिविल वॉर तो आप देखे तो उसका पहले वाले क्लोज हो गया है, बोल्शेविक पावर में आ जाता है फिर से, वही बताया जा रहा है। क्लियर मनोज कुमार एंड दोज हु हैड डाउट, हु हैड डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, क्लियर हुआ सर? लास्ट वाला एक बार बता दो सर, लास्ट पैरा दोबारा आप रीड के पर रीड करके बताओ आपको कौन सा चीज समझ, कौन सी चीज समझ में। ओके सर, but since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism attempts to win over wait. different territories. Wait, wait. So nomadism आप जानते हैं? Nomadism जानते हैं आप? Sir, lifestyle. जगह जाके lifestyle में रहना। Nomadism, nomads को जानते हैं? Nomads are those people who move from one place to another with their livestock in order to सर स्टार्टिंग में जो रखा सर बता दीजिए, पार्टली टू रेमेडी, हाँ पार्टली सर, पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन यूएसएसआर द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। तो दिसंबर 1922 में जो यूएसएसआर बनाया था इन्होंने, तो मेन यूएसएसआर को लीड कर रहा था रशिया, बट जो नॉन रशियन बोल्शेविक ने बनाया था। यस, तो जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थी उस नेशनैलिटीज ने थोड़ी बहुत इन्होंने ऑटोनॉमी दे रखी थी इन ऑर्डर टू मेक देम फील बेटर दैट यस यू आर आल्सो हैव सम से इन दिस सिस्टम। सर यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके सर, और किसी बच्चे का डाउट? एक बच्चा और है जो आफ्टर रिवॉल्यूशन अक्टूबर पढ़ना समझना चाहता था, कौन बच्चा है वो? यस सर, क्या आधा तो मुझे समझा दिया, लेकिन सर मुझे जो सेकंड पैराग्राफ है उसका उधर से डाउट है बस। हां सर बताओ। तो मैं फिर बताता हूं, द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, सर ये क्लियर है। उसके बाद इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट। In January 1918, Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. Sir, इसमें जब तो Assembly जो elect उसमें देखो Assembly में इसको majority नहीं मिलती, support नहीं मिलता, ठीक है, और जब support नहीं मिलता तो जो भी ये measures लेता है Bolshevik, तो उसको Assembly क्या कर देती है? Dismiss कर देती है, क्योंकि इसको ज़्यादा उसमें support मिला नहीं था, other members हैं उसमें, तो इसने कहा कि Constituent Assembly जो है कि सही नहीं है, it is not government, bad, not socialist one. वो भी उसी तरीके से काम कर रहा है, उसी तरीके से सोच रहा है जैसे कि ज़ार सोचता था पहले जब ड्यूमा हुआ करती थी। यस सर, और फिर उसके बाद लिखा है, ही थॉट ऑल द रशियन ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस इन मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन देयर बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एंड ब्रेस लिटवोस्ट। ये तो बता दिया मैंने। यस सर, ये आपने बता दिया, लेकिन सर इसमें सर ये जो रशियन कांग्रेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इज एन असेंबली वेयर सोवियत यूज्ड टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जैसे पार्लियामेंट है तो यहां पे कौन जाते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं ना। यस सर, ठीक है, तो ऐसे वहां पे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो बाद में पार्लियामेंट भी बन गया वहां। ओके सर, सर स्टार्टिंग में सर जो असेंबली है सर वो बोल्शेविक के मेजर्स को रिजेक्ट कर दी थी, तो लेनिन ने असेंबली को ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया।
फिर फाइनल पावर मतलब उसी के पास थी। हाँ अथॉरिटेटिव बन गया, ठीक है, अपने ज्यादा पावर यूज कर रहा है। और डाउट पूछो, और किसी बच्चे का कोई डाउट? सर मुझे स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन में से डाउट था, उस वजह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो कैटल्स थे वो जो है 1/3 फेल हो गए, मतलब जो जो कैटल्स जिसको जो है हम उगा जो मतलब जिनको रियर कर रहे थे तो वो 1/3 फेल हो गए, तो क्यों हो गए वो फेल? क्योंकि जो पीजेंस थे वो ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे इससे बढ़िया हम ये फार्मिंग वाला काम ही नहीं करेंगे या पीजेंस वाला काम ही नहीं करेंगे, वी विल लीव इट आउट, ठीक है, ये कलेक्टिवाइजेशन वी डोंट सपोर्ट दिस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, वी विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और तब लाइफ स्टॉक वगैरह हैं, अगर आप कह रहे हो विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट तो आपको लाइफ स्टॉक डिक्रीज करने होंगे ऑब्वियसली, तो इस वजह से उन्होंने लाइफ स्टॉक बड़े पैमाने पर क्या किया। मैम क्लियर है आपको? यस सर क्लियर। हां अब बताओ किस पर से गाइड है? क्या मैं पूछूं? वेट करो अभी जय करदम कुछ कह रहे थे। तो मैं पूछ रहा था कि हम इसे उनका रेवोल्यूशनरी एक्शन भी कह सकते हैं ना? हाँ एक तरीके से, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, रेवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस था उनका अगेंस्ट दिस पॉलिसी में, अब बाद में रेवोल्यूशन हो जाए वो बात अलग है, फिर एक ऑफ इवेंट होता है तब रेवोल्यूशन होता है, मैंने बताया होगा। और बताओ सर, अक्टूबर आफ्टर अक्टूबर के बाद में जो तेरह एंड में many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism for change. After October 1917, this led to the experiment in the arts and architecture, but many become disliked because of censorship. The disliked party. है, disliked है या disillusioned है? Sir, disillusioned, sorry. तो यही है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ठीक है बना रहे हो, बट उसके अलावा आप देखो तो जिस वजह से ये पार्टी खड़ी हुई है, ठीक है, फॉर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, वो उस आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है, उस आइडियोलॉजी को जब प्रमोट नहीं कर रहे वो आइडियोलॉजी छोड़ के वो कुछ और पे ही अब मूव कर गए, ठीक है, जिसके वजह से वो पावर में आए उसको तो वो फॉलो ही नहीं कर रहे। सर लेनिन ने रशिया में सेंसरशिप भी लगा दी थी, सेंसरशिप भी लगा है, वही तो कह रहा हूँ कि अथॉरिटेटिव बन गया। ओके सर, और डाउट है किसी का? चलिए तो हाँ बताइए क्या डाउट है सर। इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज और बैंक्स, इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बैंक नेशनलाइज्ड मींस नेशन विल लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ दिस इंडस्ट्रीज एंड बैंक, ठीक है, मींस नेशन के पास अथॉरिटी होगा। अब ऐसा नहीं है कि इफ यू आर industries of a private property, then private property will exploit in whatever manner it wants. Okay? Yeah, sir. Private property ke baare mein aap jante hain how private property works. Okay? So, ye nationalized kar diya, so in order to reduce the exploitation. But the kind of exploitation was continued. Okay? Ab aisa nahi hai ki pehle jaisa tha, thoda sa reduce hua, but yes, somewhere it was continued. अब ऐसा भी नहीं है कि इससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ यूएसएसआर को, यूएसआर अब अगर आप देखो द वर्ल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर थ्रू आउट द ग्लोब, तो यूएसएसआर पुट अ वेरी गुड एग्जांपल दैट थ्रू सोशलिज्म, ठीक है, इट मेक इट टर्न्ड इट्स कंट्री रशिया एंड द नेबरिंग रीजन इनटू अ डेवलप्ड नेवर, ठीक है, एक ऐसी कंट्री थी जो कि जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह बहुत ज्यादा है, उसको उसने क्या किया, उसमें अपने पॉलिसी से अपने मेजर्स से उसको चेंज कर दिया, एक ग्लोबल फेस दिया सोशलिज्म को, और यूएसएसआर एक और यूएसएसआर एक पावरफुल ब्लॉक, एक सुपर पावरफुल ब्लॉक बन को भर के आया, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर बिफोर 1991 देयर वाज टू सुपर ब्लॉक्स, टू सुपर पावर, आज के डेट में ओनली वी हैव ओनली वन सुपर पावर, कौन है वो? अमेरिका यूएसए, ठीक है, और उस समय 1991 से पहले दो सुपर पावर थे, दो सुपर पावर में पहला है आपका यूएसए, दूसरा आपका यूएसएसआर, ओके, तो यूएसएसआर इस तरीके से उभर के आया था, ठीक है, एक बहुत पावरफुल कंट्री बन के आई थी, बट ये है कि अपने सिटीजन्स को जो इक्वालिटी राइट्स जो ये उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी, ओके, जो कि एक डेमोक्रेसी में मिलती है वो वहां पर प्रोवाइड नहीं करते, वर्ड्स को फीड तो कर रहे हैं बट जो राइट्स मिलनी चाहिए थी
वो राइट्स नहीं मिल रहे, ठीक है सर। यूएसएसआर कोई एक कंट्री तो नहीं है ना, बहुत सारी कंट्रीज है ना, बहुत सारी, बिल्कुल अब तो अलग हो गया सब, यूएसएसआर टूट गया, यूएसए ने तोड़ दिया यूएसएसआर को 1991 में यूएसएसआर, अब उसके अपने भी कारण थे, लोगों का कहना यूएसए ने, सर यूएसएसआर एस्टोनिया और रशिया में टूट गया ना, यूएसएसआर एस्टोनिया एंड रशिया बस और नहीं है उसमें सर, मैं इसका मतलब कि यूरोप में भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे इसमें, सर मेरा मतलब है कि यूरोप में भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे उसके, ईस्टर्न यूरोप, यस सर मतलब ईस्टर्न यूरोप में और एशिया में भी, ईस्टर्न यूरोप सेंट्रल एशिया ये सब पहले रशिया के यूएसएसआर के पास, सर अभी तो छोटा हो गया ना बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत ज्यादा ही बड़ा था, जी जी बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, The global influence of the Russian Revolution and the USSR. Global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो अब इसमें देखोगे कि सोशलिज्म को एक नया जो है पहचान मिलती है, ठीक है, एक नई पहचान मिलती है ड्यूरिंग द मिड ऑफ 20th सेंचुरी 1950s के अराउंड, और ये वर्ड सोशलिज्म वॉज वेल नोन थ्रू आउट द ग्लोब, और लोगों ने सोशलिज्म की पढ़ाई भी करनी शुरू कर दी, सोशलिज्म एक अच्छा कंसेप्ट था इंडस्ट्रियलिस्ट पे वर्क पे एक तरीके से को कंट्रोल करने का एक अच्छा सुझाव था, और देखा कि जब यूएसएसआर में यूएसएसआर को इससे फायदा हो रहा है और कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने की शुरू की, इसकी पढ़ाई की, इसके यूनिवर्सिटीज वगैरह भी खुले, ओके तो ये सारी चीजें हुई और ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से हुई, ठीक है। तो एक बच्चा कोई फटाफट रीड कर दो, मैं इसको सम अप कर देता हूँ, हालांकि Sir, existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russian socialists from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of East. Wait. ये Conference of the People of the East ये बार NTSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? ये 1920 में है। फिर Bolshevik ने founded क्या Comintern, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। एक ऐसा international union जो कि Bolshevik को क्या करता है, support करता है, ठीक है? फिर एक यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोग आते थे और पढ़ाई करते थे, वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, ओके। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक यूएसएसआर को ग्लोबल इन्फ्लुएंस ग्लोबल फेस मिल चुका था, एक वर्ल्ड स्टैचू, ठीक है, कंटिन्यू। सर एंड द बोल्शेविक्स फाउंडेड कॉमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी of workers of the East. By the time of outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not keeping in with the ideals of Russian Revolution. Wait. USSR अपना जो वे वर्किंग होगा होना चाहिए था, जो आइडियल था रशियन रेवोल्यूशन का, आपको मालूम है ना आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन मालूम है ना, सोशलिज्म था, ठीक है, सोशलिज्म था, तो सोशलिज्म को इसने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, उस आइडियल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, अपने मन से इन्होंने यहाँ पे काम किया, जो चीज इन्होंने इनको लगा कि नहीं स्टेट के लिए कंट्री के लिए बेटर है उसको अपनाया, बाकी को रिजेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बैकवर्ड नेशन, देखो यहाँ पे सेम वर्ड वही यूज किया गया, मैंने अभी बताया था, एक बैकवर्ड नेशन बिकम अ ग्रेट पावर, ओके, इसके इंडस्ट्री इसके एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गए एंड द पुअर बीइंग फेड, ये तो अच्छी बात हुई, बट डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजंस एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, दमनकारी, जबरदस्ती, ठीक है, बस डेवलप करना है तो डेवलप करना है, समझ में आ रही है बात आपको सर, मतलब जबरदस्ती एक तरीके से उनसे काम करवा के डेवलप करना,
तो सर इसका मतलब अथॉरिटेटिव होकर बाय द एंड, वेट करो इसको खत्म करने दो मुझे, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन थ्रू इट्स रिकॉग्नाइज्ड दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड, चलो इसमें पीपल एंजॉय कर रहे हैं, बट उसकी जो रेपुटेशन थी वो सोशलिस्ट कंट्री की वो डिक्लाइन हो जाती है. End of 20th century. End of 20th century means in the year 1991 itself. मैंने जब आपको बता दिया कि USSR ब्रेक हो गया. Okay? तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है USSR से related. इसमें सिर्फ जो main है वो ये है कि कौन कौन सी universities बनी हैं, ठीक है, उसका क्या influence है. एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, फिर कॉमिंटर, है ना, ये चीजें याद रखिएगा. और फिर उसके बाद यूएसएसआर के बारे में ओवरऑल क्या डेवलपमेंट था, क्या कंक्लूजन पार्ट निकला. कंक्लूजन ये निकला कि सोशलिज्म के नाम पे पावर में आते हैं, पावर को फिर अथॉरिटेटिवली जो है अथॉरिटेटिवली उस पावर को एंजॉय करते हैं, अथॉरिटेटिव वे में वर्क करते हैं. ओके, और ओवरऑल जो कंसेप्ट था, जो आइडियल था सोशलिज्म को, उसको डिनाई कर देते हैं. सिटीजन को फीड किया, ये अच्छी बात हुई. इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, अच्छी बात हुई, बट जो राइट्स थे इंडिविजुअल्स के वो डिनाई किया. जो भी प्रोजेक्ट हुआ उसको अथॉरिटेटिव वे में क्या किया, इम्प्लीमेंट किया. तो दीज आर सम थिंग्स, ठीक है, सम ऑफ द दीज आर द आइडियल, दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ द ओवरऑल, ठीक है, वर्किंग ऑफ यूएसएसआर और द लेनिन. सर एक बार ये इंस्टा में बताओ, मैंने नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, सर नॉन कॉन्फ्रेंस की चीज की थी. कॉन्फ्रेंस मतलब अब जब एक नया कंसेप्ट उभर के आता है सोशलिज्म, तो सबको इन्फ्लुएंस करता है. जब इन्फ्लुएंस करता है तो लोग आते हैं और इसमें पढ़ते हैं, इसका ज्ञान अर्जित करते हैं. एम एन रॉय भी उनमें से एक हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया था. और इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी आपको मालूम होगी बनी है, इसी तर्ज पे बनी है 1925 में, है ना. अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, वेट करिए, देखो यहाँ पे लिखा ना बाय मिड 1920 कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंड इन इंडिया. फिर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जवाहरलाल नेहरू और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सोवियत सोशलिज्म पे लिखा है. ओके, हाँ, ये बुक पूछी, ये इसके बारे में पूछा जाता है एनटीएससी में. इन हिंदी आर एस अवस्थी रोट 1921 रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर द रेड रेवोल्यूशन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन. और एस डी विद्यालंकर ने लिखा द ब्रीफ बर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया. ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ओके, हाँ पूछ लीजिए जिसको जो पूछना. सर कॉमिंटर्न मतलब क्या होता है? कॉमिंटर्न मीन्स एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक ऐसा इंटरनेशनल यूनियन ग्रुप जो कि बोल्शेविक को सपोर्ट करता है. प्रो समझते हो? सर मुझे एक बात पूछनी है. करो, प्रो समझते हो ना, किसी वर्ड में अगर प्रो लग जाता है तो उसका मतलब क्या, जैसे प्रो फार्मर हमने कह दिया, प्रो मतलब पहले नहीं होता, प्री मतलब पहले होता है ना, प्रो मतलब सपोर्टिंग, सपोर्ट करना, ठीक है. प्रो फार्मर मीन्स वी आर सपोर्टिंग फार्मर्स, प्रो जारिस्ट मीन्स सपोर्टिंग जार, समझ में आ रहा है? तो प्रो बोल्शेविक. यस सर. और सर मतलब एंड तक जो बोल्शेविक सी गवर्नमेंट ही रही वहां पे, 1991 में ब्रेकआउट हो गई. हालांकि ये सोशलिस्ट सोशलिज्म कहीं ना कहीं उनके वहां के लोगों के अंदर फिर भी अभी भी है. सर सर ये सर स्टैचर का मीनिंग क्या होता है सर? इसका मतलब स्टैचर मतलब एक स्टैट्यूट, समझते हो, इमेज टाइप ऑफ थिंग. ओके सर. और सर जो ये बोल्शेविक्स थे सर, इन्होंने अपना नाम तो सर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में चेंज कर दिया था, लेकिन सर इनको उस टाइम पे भी हम बोल्शेविक्स ही कहते थे क्लास तक भी. मतलब रिपीट करूं? फिर से कहिए आपने क्या कहा. सर जब वर्ड चेंज आफ्टर अक्टूबर सेक्शन में लिखा है कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसने अपना नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था, तो सर मतलब उसके बाद उसको तो सभी लोग जानते ही हैं बोल्शेविक है.
नाम ऑफिशियली क्या हो गया, चेंज हो गया बस. बोल्शेविक तो कहेंगे ना, बोल्शेविक हैं, बोल्शेविक हैं. अरे हाँ वही बोल्शेविक वाले आज जो है कम्युनिस्ट पार्टी बने, कहेंगे ना जो उनके अगेंस्ट में है. यस सर. So these are the things which you should know in this chapter, a very important chapter for your examination. ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से prepare करिए और इसके question answer learn करिए और कोई doubt होगा तो पूछे. Sir, yes sir. Sir, ये sir last में sir ये sir last में sir वो भी दिया sir source F sir source G, तो sir ये भी sir पढ़ना है क्या? एक बार पढ़ लेना, but उतना ज़्यादा important नहीं है. ठीक है. Okay sir. सर मुझे ये पूछना है सर कि हमने ये पढ़ा कि लास्ट में जो रशिया की गवर्नमेंट है खुद ही सोशलिज्म के रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स को फॉलो नहीं करती, सोशलिज्म फॉलो नहीं करती है. तो सर हम लोग ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म वो रशियन रेवोल्यूशन फेल हो गया. रशियन रेवोल्यूशन फेल हो गया ऐसा कहना सही नहीं है. ठीक है, आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन फेल हो गया ये. ऐसा नहीं है कि आपका जो है कि ओवरऑल फेल हो चुका है. ठीक है, फ्रॉम अ पुअर कंट्री बिकम अ सुपर पावर, तो ये भी तो एक पॉजिटिव साइड है. उसमें इन्होंने जो अच्छे काम किए वो भी देखो, बट उसमें क्या किया नहीं है वो ये है, सोशलिज्म को उसी उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जैसे करना चाहिए था. साथ ही साथ जो है राइट्स को जो इन्होंने कर्टेल किया, curtailment of right is one thing which they should not do. ठीक है, but उन्होंने किया. तो फिर हमने चैप्टर में सीखा क्या? हमने ये सीखा कि it's all about power. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या सीखा? It's all about power. अच्छी अच्छी बातें कहकर बस पावर में जाओ और फिर रंग दिखाओ. देखो होता यही है, आप पॉलिटिक्स जब पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स, तो इट्स ऑल अबाउट पावर. ये वर्ड ही याद रखना. कोई भी पूछे कि ऐसा ये पहले गरीब थे फिर ऐसे अमीर बनने का, जैसे अथॉरिटेटिव किंग बन गए, तो सिर्फ आपको एक ही जवाब देना, इट्स ऑल अबाउट पावर. ठीक है, पावर सभी लोग इंजॉय करना चाहते हैं. ठीक है, पावर हैज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस. इफ यू विल हैव अ पावर टुडे, सपोज आपको अगर जो है कि पावर दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या क्या करोगे? तो बहुत सारे लोग उसको बहुत तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे. अभी ऐसा नहीं है कि तुम नायक पिक्चर के अनिल कपूर बन जाओगे और एक दिन में पूरा शहर बदल दोगे, है ना, ऐसा नहीं होगा. ऐसा बहुत कम होता है, एक आइडियल वे में देखा जाता है ऐसा भी होना चाहिए. ठीक है, बट जिसको भी देखो अगर पावर में वो आते हैं तो मोर और लेस करप्शन से वो जुड़ जाते हैं. ठीक है, अथॉरिटेटिव बनना उन्हें पसंद होता है. पावर में रिमेन रहना, रिमेनिंग इन पावर, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है. आपने जब पढ़ा था तो रिमेन इन पावर एक सबसे बड़ा उसमें इशू है, और आपने ये पढ़ा भी है डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में अगर जो पावर में है वो अगर हार जाता है तो डेमोक्रेसी क्या है? फ्री एंड फेयर. इसीलिए डिवाइड भी किया है पावर को, इसीलिए पावर को डिवाइड भी किया गया कि कोई एक पावर एंजॉय ना करे और पावर का बैलेंस रहे. इसलिए सब पढ़ोगे जब आगे बढ़ते जाओगे तब पढ़ोगे. ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन का आप कह सकते हो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जिस तरीके से वो प्रमोट करके आए उस आइडियोलॉजी को नहीं जो है कि फॉलो किया. ठीक है, यूएसएसआर एक सुपर पावर उभर के निकला तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक सुपर पावर बन के नहीं उभर रहे हो. हाँ, उसको मेंटेन नहीं कर पाए ये गलत बात है. ये कुछ कहीं ना कहीं जो ऐसा है कि जिसको होना चाहिए था. आज के डेट में तो आज के डेट में अगर देखो तो एक ही सुपर पावर हम कहते हैं, वो भी यूएसए को. तो क्या यूएसए को अकेला सुपर पावर रहना चाहिए? दूसरी कंट्रीज को उभरने देता है नहीं, बस अपना सुपर पावर बढ़ा के रखता है. सर मुझे तो डेमोक्रेसी लगता ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहा है तो सही है. तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक समझाने की बात है कि सब लोग पीसफुली रहें, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, सब कुछ कैपिटलिस्ट है. सब कुछ किसका है? कैपिटलिस्ट का. आप आज वैसे में भी तो सब कंपनी. कल को आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, आप किसके लिए काम करोगे?
कैपिटलिस्ट के लिए काम करोगे, जितना अच्छा आप बन जाओगे, जितने अच्छे आप डॉक्टर बन गए उतना अच्छा आप पैसे कमाओगे और उतने अच्छे कैपिटलिस्ट क्या काम करोगे। और कैपिटलिस्ट आपको क्यों रखेगा, क्योंकि उनका मुनाफा उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहीं अमेरिका चले गए तो समझ लो कि आपने आपको किसी बहुत अच्छे कैपिटलिस्ट ने हायर कर लिया है, ठीक है। चलो अब ये सारी चीजें अब मैं एक्सप्लोर करके सारी चीजों को नहीं अभी बताऊंगा, बस इसको आप इस सारे कॉन्सेप्ट को लिमिट में रखिए। एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, आंसर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आप सोचो कि आपने आप मेरी कही हुई बातों को लिखते हो तो यहाँ पे आपको नंबर आपके टीचर नहीं देंगे, पहले बता देता हूँ। हाँ, कहीं और आपको स्पीच बोलना है, आर्टिकल लिखना है, ऐसा कुछ अगर करना है तो आप मेरी बातों को लिख सकते हो, ठीक है। कभी कहीं असेंबली में बोलना हो, कभी पब्लिक स्क्वायर में बोलना हो, तो ये सारे सोशल नॉलेज हैं जो आपको ये दर्जा देती है कि आप कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एक मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ, सोशल बैकग्राउंड के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं कि आप अपने बातों को कह सकते हो, आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि आप रशिया में देख सकते हो, यूएस में दे सकते हो। तो जो बच्चा ये सब चीजें पढ़ा रहेगा वही पब्लिक में बोल सकता है, अदरवाइज पब्लिक में क्या होना होगा, चुप होना। पब्लिक में जब आप जाते हो तो पब्लिक में क्या बातें होती हैं, यही सारी बातें होती हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड पर बातें होंगी या तो फिर इकोनॉमिकल ग्राउंड पर बातें होंगी, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, इसको बस ज्ञान में को लो, लिखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना, ओके। यस सर, सर एक डाउट था मुझे, सर जो सेंट पीटर्सबर्ग है सर उसका नाम तो चेंज कर दिया था जो पेट्रोग्राड है, लेकिन सर आज भी उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग ही है, तो सर उसके बाद दोबारा लाया गया था वो नाम। ओके सर। और सर जो वर्ड जो कम्युनिस्ट वर्ड होता है सर, वो जहाँ पे भी यूज है सर उसका मीनिंग क्या होता है, एक बार सर मुझे कम्युनिस्ट देखो सोशलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है, कम्युनिस्ट इसका एक छोटा सोशलिज्म में कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट का ये सोशलिस्ट के ये मोर और लेस एक ही बात होती है। सोशलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है, कम्युनिस्ट उसका एक छोटा टर्म। पर्टिकुलरली अगर 10 कम्युनिटी एक साथ मिलकर सोशलिस्ट की तरह काम कर रही है तो हम कह सकते हैं दे आर सोशलिस्ट, बट वो कम्युनिटी अगर अपने में ही रिलेटेड कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही है तो वी विल कॉल देम कम्युनिस्ट। यस सर, मतलब जो जो सोशलिस्ट है उनके अंदर कभी ना कभी ड्रेनेज जियोग्राफी में मूव करते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया जो भी कराया? यस सर। यस सर। ओके, यू आर ओके विद दिस सोशलिज्म? यस सर, वी आर डन। यस सर, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। अरे आज वो बच्ची नहीं आई जो बोलती रहती है सर मुझे ये बताना वो बताना। नहीं सर, नो सर, नहीं आई। मोक्षिका नहीं आई है? सर आई है। सर आज तो कुछ पूछ ही नहीं रही मोक्षिका तो। सर मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार सेल्फ रीडिंग करके फिर पूछूंगी। ज्यादा समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या? चलो पूछ लेना, एक बार रीड करो, ठीक है। कुछ डाउट हो तो फिर से पूछो, एक बार रिकॉर्डिंग्स वगैरह फिर से सुनो, है ना। सारे कुछ तो रिकॉर्डेड है, अब फिर उसमें से नोट डाउन करो, नोट डाउन करके फिर से पूछो, ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आएगा। तो मैंने बहुत सारा टाइम लेकर आपको ये समझाने की कोशिश की है। वर्ल्ड हिस्ट्री है, ऑब्वियसली व्हाट शी इज सेइंग इज करेक्ट, ठीक है। कि एक बार में आप सोचो कि आपको 100% आ जाए तो नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार में आपको 70 आएगा, 80 आएगा। मैं भी दोबारा भी कराऊंगा ये, इसको रिवाइज करा दूंगा, ओके। तो इसको याद ना करना पड़े, मेरी कोशिश पूरी पूरी यही है। आप बहुत सारी चीजों को समझ लें ताकि जब आप समझ लें तो याद करने जब आप बैठें तो जो भी आंसर लिखे हो तो उसको आप रिलेट कर पाएं, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे हुआ था उसका आंसर के, तब आपके दिमाग को जल्दी से ग्रैप हो जाएगा, आपका दिमाग उसको जल्दी से ग्रैप कर लेगा, है ना। आंसर तो क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, आंसर भी बहुत सारे हैं, उन सारे आंसर को ग्रैप करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। और ग्रैप तभी हो पाता है जब आपके अंदर जो है कॉन्सेप्ट मोर जो है कि क्लियर होते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो यही है, अदरवाइज बाकी लोगों को अगर आप देखो तो यही कहते हैं कि सोशल है तो याद कर लो तो हो गया काम। नाउ ड्रेनेज, तो आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा दिया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, और क्या पढ़ाया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब ड्रेनेज, तो ड्रेनेज में अगर आप देखो
तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद दिस, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जानते ही हो बिना पढ़ाए. सीबीएसई में इस बार इसको जो है वेटेज नहीं दिया है, बट यस यस सर मैप वर्क के लिए था, मैप वर्क है, यस सर इससे बस मैप वर्क आया था एग्जामिनेशन में. सही कह रहे हो, तो वेटेज घटा दिया है समवेयर इंडिया का मैप. यहाँ पे आपको मालूम है थ्री रेंजेस याद है ना, ये हालांकि सर हिमाद्री तो हल्की मिट्टी कम दूरी तय करती है, हल्की मिट्टी ज्यादा दूरी तय करती है, और ये जाके यहाँ पे क्या करती है डेल्टा बनाती है, डिपोजिशन वर्क करती है, ठीक है. इसके नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज है, एक राइट हैंड होगी फिर दूसरा लेफ्ट हैंड, ऐसे यहाँ पे विंध्यन रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, यहाँ से रिवर निकलेगी, रिफ्ट वैली में फ्लो करेगी, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है, फिर एक नदी है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश पैरेलल फ्लो करती है, हालांकि इसकी लेंथ थोड़ी कम होगी इस वाले से पहले वाले से. आपकी आवाज़ बंद कर, इसकी लेंथ कम हो गई पहले वाले से, ठीक है. यहाँ से फिर इसके बाद आपका हाँ डिसएग्रीगेशन होगा, ये वाला पोर्शन आपका हिमालयन रिवर्स होगा, हिमालयन रिवर्स, और ये आपका पेनिनसुला, पेनिनसुला में है तो इसका पेनिनसुला रिवर्स, ठीक. तो पेनिनसुला रिवर्स में आप बहुत ये वेस्टर्न घाट आप जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ से भी कई सारे रिवर है वो डिसेंड करेंगे, यहाँ पे भी एक रिवर है. सर ये AS BOB और IO क्या है? AS अरेबियन सी है, BOB बे ऑफ बंगाल है. ओके सर, ओके सर. तो ये हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुला रिवर्स, तो रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका क्या रोल है लाइफ में ये भी देखेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, ठीक. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अब इसमें कंटेंट हैं कुछ कुछ कंटेंट में कौन कौन से हैं, एक है आपका ड्रेनेज बेसिन. क्या है ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. ओके, एक रिवर सिस्टम, अब रिवर्स जैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जिस एरिया में वो फ्लो कर रहा है वो एरिया उसका क्या है? ड्रेनेज बेसिन. वो एरिया क्या है उसका? ड्रेनेज बेसिन. समझ में आ रहा कौन कौन सी जगह से होते हुए? अब ट्रिब्यूटरीज के साथ, इसके अलावा जो है कि अब ट्रिब्यूटरीज आप जानते हैं, जैसे ये सम्भोज ये सिंगल रिवर है, ठीक है, तो जो जो ये रिवर है तो जो जो नदियां आके मिल रही हैं इससे वो क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं. अब सपोज ये ऐसे रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ से एक ऐसे रिवर निकल गई, ये क्या है? ये क्या है? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे याद रखना है आपको. डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर. हिमालयन रिवर आपको मालूम है यहाँ पे क्या है? कवर्ड अप विद स्नो, ठीक है. ग्रेट हिमालय अगर आप देखो एवरेज हाइट आपको याद होगी 6000 मीटर है, तो अबव हाँ 3600 मीटर एंड अबव अगर जाए 4500 मीटर तो हमें स्नो लाइन मिल जाता है, उसके ऊपर जो स्नो कवर होगा ही होगा. तो पेरिनियली ये स्नो बाउंड होते हैं और पेरिनियल रिवर्स फ्लो करते रहते हैं. रिवर्स हमेशा यहाँ से क्या होंगे? फ्लो करते रहेंगे, वाटर हमेशा होगा इसमें. यहाँ पे क्या होता है पेनिनसुला पार्ट में? रेन फेड होता है, बारिश होती है तब जाके इसमें इसके ड्रेनेज में यहाँ के रिवर्स के ड्रेनेज में पानी का जमावड़ा बढ़ता है, ठीक है, वाटर का कंटेंट बढ़ता है. ओके, और फिर उसके बाद हिमालय पेनिनसुलर रिवर्स के जो ओवरऑल लेंथ है देखो क्या होगा? कम होगा, ठीक है, शॉर्टर इन लेंथ, दे आर लॉन्गर, ठीक है, दे हैव अ ह्यूज बेसिन. फिर उसके बाद
they have to, these rivers have to travel long distance. Sir, ये आपने shorter in length किसका point बताया? हिमालयन का है, peninsular का? Shorter in distance आपका peninsular, देखो shorter in distance है, यहाँ पे distance क्या ज़्यादा, longer in distance. अब यहाँ पे एक term ये भी आएगा, Himalayan rivers, ठीक है? Himalayan rivers drain into Bay of Bengal, ठीक है? And peninsular rivers, not all peninsular rivers drain into Bay of Bengal. That's river like Narmada, ये नर्मदा river है, नर्मदा and Tapi, ठीक है? ये कहाँ drain करती है? Arabian Sea. तो यहाँ पे एक टर्म है, आप सब समझोगे अभी, हालांकि मैं बताऊंगा, डेल्टा एंड एस्चुरीज. कोई आपने से बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी? यस सर. हाँ बताइए सर. व्हेन अ रिवर एंड ऑल द रिवर्स दे मीट टुगेदर एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स अनदर वाटर बॉडी. At that time, the triangular landmass in the between, it is called delta. And sir, when a river, it means an ocean, that area is called estuary. ये कहाँ पढ़ा है आपने अपना? Sir, delta वाला तो मुझे अच्छे से थोड़ा clear नहीं है sir. Estuary वाला मैंने एक encyclopedia में पढ़ा था. Okay, delta and estuaries. Yes, वाली ये वाली river जो east flowing rivers हैं, ठीक है, they will form delta. ठीक है, मीट्स विद saline वाटर और मरीन वाटर विदाउट सैंड सिल्ट एंड सेडिमेंट्स इट फॉर्म्स एस्चुरीज. तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर विल हैव सैंड सिल्ट, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग एंड नर्मदा तापी विल नॉट हैव सैंड सिल्ट सेडिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म एस्चुरीज. यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन द डेल्टा एंड एस्चुरीज. कल हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, पहले कुछ रीडिंग वाला पार्ट हो जाए. अब यहाँ पे एक टर्म ये भी देखना है आपको, वाटर डिवाइड. एज द नेम सजेस्ट, वाटर डिवाइड ये आपके नीचे बनाती है, ठीक है, ये ठीक है, स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी फ्लो कर रहा है, उसके बीच में एक उभरा हुआ पार्ट, एक अपलिफ्टेड पार्ट विल एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ वाटर डिवाइड. यहाँ पे नाइल की जगह देखना अमेजोन होगा. आई थिंक आप सभी के पास बुक है इस समय? Yes, sir, Amazon. Yes, sir. इंडिया का अगर पूछा जाए गंगा है. Yes, sir. ये बातें याद रखिएगा. फिर ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो ड्रेनेज सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो एज आई टोल्ड यू हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर दो चीजें मिलेंगी. हिमालयन रिवर आपको मिल जाएगा, दूसरा पेनिनसुलर रिवर मिल जाएगा. अब इसमें क्या दिया है? डिफरेंसेस दिए हैं. क्या दिए हैं? डिफरेंसेस. यही डिफरेंसेस आपको नोट डाउन करने, ठीक है. अमेज़न कहाँ है? नाइल कहाँ है आपको क्लियर है? मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है. बताओ, ठीक है, चलो कौन रीड करेगा? सर मोक्षिका. हाँ, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. अंडरलाइन. लुक एट द फिजिकल मैप. यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म the main river, which ultimately drains into a large body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide. Underline करो, छोटे-छोटे terms हैं, पूछे जा सकते हैं exam में. सर ये वाटर डिवाइड नहीं समझ आ रहा, सिर्फ
वाटर को जो डिवाइड कर दे, वाटर डिवाइड, दैट्स ऑल सर. मतलब इधर भी पानी और इधर भी पानी. हाँ, ये मान लो ये इंडस रिवर है, ठीक है, और ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है, ठीक है, एंड इंडस और गंगा के बीच में एक वाटर डिवाइड है, कौन सा है, अंबाला. अंबाला, अंबाला इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर एंड गंगा रिवर. तो ये इतना छोटा सा, ये आपको बताया जा रहा है समझाने के लिए है, छोटा सा नहीं है अंबाला. मतलब उससे पहले रिवर्स मिक्स होती है आपस में, उसके बाद डिवाइड होती है. हाँ जी, मतलब एक तरीके से वो मिक्स हो जाती है अगर वो नहीं होता तो. ओके सर, आगे. ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया. The drainage systems of India are mainly controlled by the bored relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Apart from originating from the two major geographical regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the Lukti mountains. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. Wait, ये point सभी को clear है? Yes, sir. Sir, बस एक ही board of relief features क्या है? ये देखो, ये क्या है, मानसरोवर देखो. यहाँ से एक नदी निकलती है इंडस. वो ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा. फिर एक है आपका सैंको, ठीक है, जो कि यहाँ पे नामचा बारवाचा के यू टर्न ले लेती है और ऐसे एंटर कर जाती है. ओके, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से एक और नदी है मानसरोवर से निकलती है, जो है सतलुज. तो मानसरोवर से आपके तीन रिवर निकलते हैं, मानसरोवर से तीन नदियां निकलती हैं, ठीक है. एक है एंटीसीडेंट रिवर से कहा जाता है इनको, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, ये आपके एनटीएससी में आ सकता है, लिख लो, एंड द गंगा, अस नो, एंड द सतलुज. इसको एंटीसीडेंट रिवर्स भी कहा जाता है. हिमालय कहा जाता है, हिमालय से पहले भी ये थे, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, तो एंटीसीडेंट के तौर पे भी जाना जाता है. मानसरोवर से ये तीनों रिवर निकलती है, मिलके नहीं बनाए. मानसरोवर लेक से ये तीनों रिवर्स निकलती हैं. तिब्बत का नाम सर, इनका दूसरा नाम को एंटीसीडेंट कैटेगरी कौन सी है इनकी सर? सर इनका नाम क्या है, एंटीसीडेंट क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट क्या, एंटीसीडेंट. ठीक है आंसर. ये बोर्ड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कोई मतलब एसोसिएशन है जो बताती है. ब्रॉड ब्रॉड नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है सर. इन तीनों रिवर्स को कहते हैं आगे, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंटीसीडेंट रिवर्स की खाली एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट रिवर्स और एंटीसीडेंट भी कोई बात नहीं, बात है ना. और सर मानसरोवर लेक कहाँ पे है, लद्दाख में, तिब्बत. सर आवाज कट रही है. मानसरोवर की यात्रा नहीं जानते हो आप लोग, मानसरोवर की यात्रा. यस सर. यस, मानसरोवर आपका सुना होगा ना, मानसरोवर की यात्रा करने के लिए मानसरोवर. यस सर, कैलाश मानसरोवर. हाँ तो तिब्बत में जा रहा हूँ. हाँ तो वही तिब्बत की ही बात हो रही है. अच्छा जो दो वाटर को डिवाइड कर रहा है, वाटर बॉडीज को. डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब एक रिवर से अगर कोई वाटर निकल के जा रही है, ठीक है, अगर ये रिवर फ्लो कर रही है तो एक रिवर है मेन रिवर, अगर उससे कोई वाटर दूसरी रिवर निकल के बन रही है या वो उससे निकल के दूसरी तरफ जा रही है तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी. क्योंकि मेन एक तो मेन रिवर होती है, उसके ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं. ट्रिब्यूटरी जो आके उससे मिल जाती हैं,
डिस्ट्रीब्यूटरी जो उससे निकल के बन रही है, समझ में आया? यस सर, आ गया समझ। ओके सर, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि न्यूट्रल ट्रिब्यूटरी में डिफरेंस क्या है। क्या नाम है आपका? सत्यम बोल रहे हैं सर। एक्चुअली क्या इश्यूज हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो ट्रिब्यूट कर रही हैं, आके मिल जा रही हैं, जो ऐसे वाटर बॉडीज, ऐसे स्ट्रीम जो आके मेन रिवर से मिल जाती हैं। एक मेन रिवर होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज वो रिवर्स होती हैं जो आके उसे मिल जाती हैं, जिसका पानी आके उस मेन वाटर में मिल जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी में उससे निकल के बाहर दूसरी ओर जाती हैं। ओके सर, कंटिन्यू रीडिंग। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। द हिमालयन रिवर्स हैव The Himalayan rivers have long courses from their source to the sea. They perform intensive erosional activity in their and carry out huge loads of silt and sand in the middle and the lower courses. That these rivers from Menders, Orbo, Oxbow Lake and the many other depositional features in their shallower courses are ओके मैंने बताया है कि ये रिवर्स जो निकलते हैं हिमालयन रिवर्स, ये सैंड एंड सिल्ट कैरी करते हैं और जाके डिपोजिशन वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और आपको जानना है कि एब्सेंस इज बैक। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो इनका जो फ्लो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, जो फ्लो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो क्या करता है, वेरी करता है फ्लो। ठीक है, वो डिपेंड करता है वहाँ के जियोग्राफिक डिविजन पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के, हालांकि नॉर्दर्न प्लेन है फिर भी स्ट्रेट, नॉर्दर्न प्लेन भी आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट मतलब कोई प्लेन एरिया, फ्लैट लैंड नहीं है, है ना, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे कैसे फ्लो करेगा आप देखते हैं। यस सर, तो ये अगर देखा जाए तो एक कोर्स है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। सर ये कोर्स समझ नहीं आ रहे। कोर्स मतलब बे, ठीक है, ऐसे कुछ वे या वे वे, वे, वे रास्ता। अच्छा जी, आंसर गॉर्जेस का मतलब डीप नैरो वैली, वैली समझते हो, दो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है वैली, तो गॉर्जेस भी कहते हैं डीप नैरो वैली। आप देखो मिडिल कोर्स, ये अपर कोर्स मान लिया, ये मिडिल कोर्स, ये लोअर। तो रिवर क्या होते हैं, अपने पाथ चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कोर्स मतलब पाथ, तो ये चेंज करते रहते हैं। अब देखो यहाँ से जब ये फ्लो कर रहे हैं तो ये मेंडर सबसे ज्यादा, मेंडर मतलब ये मूवमेंट इस तरीके का, ये सबसे ज्यादा मिडिल कोर्स में बनते हैं। क्या बनते हैं? मेंडर सबसे ज्यादा किसमें बनते हैं? मिडिल कोर्स। ठीक है, मेंडर आर फॉर मैक्सिमम इन मिडिल कोर्स। फिर उसके बाद एक टर्म है ऑक्सबाउ लेक। ऑक्सबाउ लेक जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है, फिजियोग्राफिक हो सकता है, क्लाइमेटिक, ये जो पाथ है रिवर अपना ब्रेक कर देगी। पहले ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, अब इसने अपना पाथ सपोज ये मैंने ब्रेक करके बनाया। सर मुझे अपर और लोअर वाला समझ नहीं आ रहा। सर मेंड, और ये सर ये मेंडर्स क्या? अब ये देखो, मैंने बताया मेंडर्स, जो ये जिगजैग मूवमेंट हो रहा है रिवर्स का, मेंडर्स ये सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? मिडिल कोर्स में। जब रिवर फ्लो करती है तो इसके डिफरेंट कोर्स होते हैं, अपर, लोअर, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो ये मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है रिवर्स है तो एकदम स्ट्रेट मूव करेंगे ऐसे, इनका मूवमेंट क्या करता है, वेरी करता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये जो जिगजैग में ऐसे बना है जैसे। तो ये सबसे ज्यादा जो जिगजैग वाला पोर्शन है, इसको मेंडर्स जो कह रहे हैं, वो मिडिल कोर्स में होता है।
सर ये मिडिल कोर्ट से मतलब यहाँ जगह है क्या कोई, मतलब जगह इन द सेंस कि पहले ऊपर से फिर मिडिल ओवरऑल ओवरऑल पास, ठीक है, अपर कोर्स में जब ये या पास समझो वे, ठीक है, अब ये ओवरऑल ड्रेनेज बेसिन है इसका, तो ये जो ओवरऑल वे है तो उस वे को बताया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो एकदम जब लोअर है माउथ टू द ओशन और लेक, ठीक है, तो उसको उस पोर्शन को लोअर वाला कहा गया है, मिडल दिस वन, समझ में आई बात? सर मिडल में मीएंडर सबसे ज्यादा बनती है और अपर में तेज बहती है, यस, क्योंकि वो अपर पोर्शन है, क्या होगा ज्यादा होगा, है ना, और धीरे धीरे स्लोप होता है और मीएंडर्स इस वाले रो में बनेगा, फिर उसके बाद ऑफ्सबाउ लेक में बता रहा था, तो फिर से आप लोगों ने बीच में इंटरप्ट कर दिया है, तो इस कम्प्लीट नहीं हो पाया, मान लेते हैं कि वो रिवर ऐसे बह रही थी, ठीक है, ऐसे बह रही थी, हुआ क्या कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता ही है, रिवर अपने जो है कि क्या कर लेते हैं, पाथ चेंज कर लेते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेटिक रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन, कुछ भी कारण हो सकता है, वो पाथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया यही क्या हो गया आपका ऑक्स बाउ, ये रिवर का ही पार्ट है जो कि रिवर का ही पार्ट है, ठीक है, बट अब रिवर ने अपना जो कोर्स है लो का वो चेंज कर दिया, कारण क्या रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्टोनिक एक्टिविटीज आप जानते हैं होते रहते हैं, क्लाइमेटिक रीजंस हैं, ठीक है, तो वो अपने रिवर्स क्या करते हैं, अपने पाथ को चेंज करते रहते हैं, पाथ मतलब रास्ते को चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी रास्ता चेंज हो गया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया इट अपीयर्स लाइक ऑक्स बाउ, दैट्स व्हाई और ये लोअर कोर्सेस ज्यादा देखे जाते हैं, इसमें देखे जाते हैं लोअर कोर्सेस, सर ये ऑक्स बाउ दोबारा बता दो, सर नहीं आया ऑक्स बाउ, चलिए आप लोगों ने ज्योग्राफी पिछले क्लास में नहीं पढ़ी है क्या, पढ़ी है लेकिन सर यूआर टॉपिक में पढ़ी है, अभी समझ आ गया सर, मैंने बड़ा भी कर दिया, अपने बुक में भी देख लो, ये देखो सोर्स ऑफ रिवर क्या है, सोर्स ऑफ रिवर कहाँ, यहाँ रिवर यहाँ से निकल रही है, ये आपका अपर कोर्स है, देखो वही जिगजैग तरीके से आ रही है ना, तो ये जो है कि आके अब जाके सीधे माउथ में डेल्टा फॉर्म कर रही है, हालांकि वही माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, डेल्टा फॉर्म करे ना करे बात की बात है, हिमालयन रिवर है तो ऑब्वियसली डेल्टा फॉर्म करेगी, तो सोर्स ऑफ रिवर से अब ये अपर कोर्स है, देखो ये थोड़ा सा हाई है, ये थोड़ा सा लो है, फिर ये इससे भी लो है, तभी तो एक इस लाइन में क्या करेगी, रिवर फ्लो करेगी, है ना, जब आपने पढ़ा होगा कि ऑन अ देयर आर मतलब टोटल 300 किलोमीटर की उसकी क्या है लेंथ है एंड देयर इज अ टोटल डेप्थ ऑफ 1800 मीटर, ऐसे ही पढ़ा है या 300 मीटर का डेप्थ है टोटल 1800 किलोमीटर, ये पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, अच्छा ड्रेनेज में पढ़ोगे, पढ़ा है ऐसा कुछ, पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है, चलिए कोई तो इसमें गंगा में आप पढ़ोगे इसी में है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट इसीलिए इस लाइन में ये बह रही है नदी क्योंकि यहाँ पे ढलान है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी तरीके से नीचे पानी हम कहीं पे गिराते हैं पानी कहाँ बह के जाता है, जहाँ पे क्या होता है स्लोप टाइप होता है, क्योंकि अपर अपर वाला अपर है थोड़ा सा मिडल मिडल वन लोअर लोअर वन, तो ये ओवरऑल एक पाथ है किसका रिवर्स का जो की फॉलो कर रही है, तो इसके अपर पार्ट में नहीं मिडिल कोर्स में, अपर कोर्स में नहीं मिडिल कोर्स में आपका मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब तो वही ज़िगज़ैग जो मैं आपको बता रहा था, फिर लोअर कोर्स में देखो तो आपको ऑक्स बाउ लेक भी बनते हैं, अब ये जो है रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ये ऑक्स बाउ बना कैसे मैं आपको यही बता रहा था, तो रिवर हो सकता है ऐसे पहले इसी से जुड़ के ऐसे बह रही हो, ठीक है, ऐसे हुआ क्या कि कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद यहाँ पे चेंजेस आए, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, या टेक्टोनिक एक्टिविटी कुछ भी हुआ, रिवर ने अपना कोर्स क्या कर लिया, चेंज कर दिया, अब वो ऐसे बहना शुरू कर दिया,
ओके, और ये वाला पोर्शन जो छूट है इसी को हमने लेग बुलाया, इसका अपीयरेंस देखो ऑक्स बाउ की तरह है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑक्स बाउ लेग, सिंपल। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो आप इसमें देखो कि जब रिवर फ्लो करते हैं, जब रिवर फ्लो करते हैं तो वो डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, व्हेन दे फ्लो दे फॉर्म डिफरेंट पैटर्न। ये एनटीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन जीएसटीएससी आल्सो। आप लोग का एग्जाम टेस्ट है क्या संडे को जीएसटीएससी? यस सर है। हाँ, अगर होगा तो ड्रेनेज जहां तक पढ़ा रहा हूँ वो आएगा, सोशलिज्म इन यूरोप आएगा, फिर पीपल एज रिपोर्ट आएगा, है ना, ड्रेनेज जहां तक पढ़ा रहा हूँ आएगा। तो डेंड्रेटिक रेलिस रेक्टेंगुलर रेडियो, डेंड्रेटिक जब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है, जब उसके फ्लो कुछ इस तरीके से दिखे जैसे कि अपियर हो रही है कि कोई ब्रांच है ट्री का, तो हम उसको कहेंगे दैट रिवर इन फ्लोइंग इन अ डेंड्रेटिक वे। कौन से वे में? डेंड्रेटिक वे में। ट्रेलिस पैटर्न कब होता है? जब मेन रिवर फ्लो कर रही है और उसको कोई ट्रिब्यूटरी आके लगभग 90 डिग्री पे क्या कर दे, मीट कर दे। अब ऐसा नहीं कि आपको कैसा 90 डिग्री तो ऐसे होता है, ठीक है, ये नहीं कहना है आपको, लगभग 90 डिग्री पे, अप्रॉक्स एट 90 डिग्री, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेलिस पैटर्न, दैट दिस रिवर इज नॉट फॉलोइंग अ ट्रेलिस पैटर्न। फिर एक पैटर्न होगा रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न देखो ये वाला दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल जैसा अपियर होता है, ऐसा नहीं है कि अब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो वो रेक्टेंगल में रहेगी और एक क्लोज लूप में बंद हो जाएगी और ऐसे ही मूव करती रहेगी, ऐसा नहीं है। अपियरेंस लाइक दैट इट इज फॉलोइंग अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर कुछ क्या डिफरेंट है, कहीं पे हार्ड रॉक्स है तो कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स है, तो रिवर जो है एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं कर पा रही है। सॉफ्ट रॉक जहाँ पे है वहां पे क्या हो रहा है, रिवर अपना दूसरा जगह भी बना देगी, फिर आगे देखना है तो उसके ऐसे दूसरे जगह ऐसे, इस तरीके से रिवर जो फ्लो कर रही है ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर पैटर्न को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब प्रॉपर रेक्टेंगल में समझना, रेक्टेंगुलर कह दिया, ओके। रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न एक हाइट से, रेडियल आप समझते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर अगर कोई है, ठीक है, वहां से रिवर फ्लो कर रही है अलग अलग डायरेक्शन में, तो कहेंगे हम दैट रिवर इज फॉलोइंग अ रेडियल पैटर्न, ठीक है, एक सेंट। समझ में आ रही है बात? देखो ये वाला फिगर, देखो ये वाला, ट्रेलिस वाले एक बार दोबारा समझा दीजिए, रेडियल वाला, ट्रेलिस वाला पैटर्न। हाँ सर, रेडियल, रेडियल, ट्रेलिस भी, वेट 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 वेट, रेडियल एक सेंट्रल अपलिफ्टेड पार्ट होगा, वहां से रिवर डिसेंड कर रही है इन दिस वे, ठीक है, देखो पैटर्न क्लियरली डिमार्केट कर रहा है। ट्रेलिस पैटर्न ये भी इसी तरीके से फॉर्म चल रही है, ठीक है, यहाँ पे भी हार्ड एंड सॉफ्ट होगा, डॉक होगा, ये भी याद रखना आप, बट इसमें एक या चीज ध्यान रखनी है, रिवर जो ट्रिब्यूटरी है वो मेन रिवर को आके ज्वाइन करेगी लगभग कितने एंगल पे, लगभग 90 डिग्री पे, तब हम कहेंगे कि जो रिवर फ्लो कर रही है वो ट्रेलिस पैटर्न फॉलो कर रही है। समझ में आई बात? हाँ, गंगा नदी में आप देख सकते हो कि ये पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में भी तो लगभग 90 डिग्री में भी हो रहा है, इसे इसे समझ कैसे आएगा? रेक्टेंगुलर में तो 90 डिग्री हो रहा है, ट्रेलिस में कहाँ, रेक्टेंगुलर में कहाँ 90 डिग्री हो रहा है सर, ऐसे ही दिख रहा है। अब ये मेन नदी देखो बह रही है, ठीक है, तो एक नदी है डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो एट्रीब्यूटरी ऐसे निकल के आ रही है, एक मिनट आपको और अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये गंगा आपको दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये गंगा आ रही है, यमुना भी आ रही है, बंदर पूंछ, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आके गंगा से 90 डिग्री पे मिल रही है, लगभग मिल रही है, ठीक है, then we will say that it is this pattern is a trellis pattern. चलो रीड करो ये वाला पोर्शन, कौन पढ़ रहा था? स्टार्टिंग में आप सर डेल्टा पर एक और चीज बता रहे थे सर, एक बार वो डिफाइन कर देगा दोबारा? कौन सा? डेंड्रिटिक सर, डेल्टा और एक चीज और बता रहे थे, डेल्टा और एस्चुरी। यस सर, एक बार वो बार बार। हाँ बताओ, डेल्टा एस्चुरी भी मैं आगे बताऊंगा, और कौन सा बताना है सर? डेंड्रिटिक से वो बता दीजिए, डेंड्रिटिक अपीयरेंस लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, बस
डेमोक्रेटिक पैटर्न। सर यहाँ पे सोर्स और उसके बारे में कैसे पता चलेगा सर, सोर्स और सिंक मतलब ट्रिब्यूटरी उसका पैटर्न जैसे दूसरे में बना हुआ है लेकिन यहाँ कोई समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे भाई रिवर फ्लो कर रही है, आप अगर ऊपर से देख रहे हैं कि इसकी जो फ्लो है वो जो है ब्रांच ऑफ ट्री के लायक फ्लो कर रही है तो यू विल कॉल दैट इट इज दैट रिवर इज फॉलोइंग अ डेंड्रेटिक पैटर्न। सोर्स के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सोर्स तो कहीं एक ही जगह से होगा है ना, सोर्स क्या होगा कहीं एक ही जगह से होगा, अपीयरेंस देखना है। ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपल सोर्स होगा एक ही रिवर का, मेन रिवर का तो एक ही सोर्स होगा और एक सोर्स से जब वो निकल के आगे बढ़ रही है और जब उसकी जो अपीयरेंस उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज मिला के एक जो है ब्रांच ऑफ ट्री की जैसा दिख रहा है तो इट मीन्स द रिवर इज फ्लोइंग लाइक अ और फॉलोइंग अ डेंड्रेटिक पैटर्न। अब रिवर को थोड़ी पता है कि हम डेंड्रेटिक वे में फ्लो कर रहे हैं और रेक्टेंगुलर वे में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जियोग्राफर जियोलॉजिस्ट है अपने स्टडी के लिए, इन्होंने कह दिया देखो इस तरीके से फ्लो कर रही है, चलो ये रेक्टेंगुलर है, ये कैसा ब्रांच ऑफ ट्री का अपीयरेंस हो रहा है डेंड्रेटिक है, तो इस तरीके से डिमार्केट किया गया है टू स्टडी इट बेटर, दैट्स ऑल। बस चलिए आई थिंक मोक्षिका पढ़ रही थी, मोक्षिका नहीं युक्ति, युक्ति पढ़ो। सर एक बार आपने डेल्टा और जो दूसरा वर्ड बोला था एक बार उसकी स्पेलिंग बता दीजिए। एश्चुरी ई एस टी यू ए आर वाई ई एस टी यू ए आर वाई युक्ति वार्षिणी आर यू देयर? यस सर। रीड करो बेटा ड्रेनेज पैटर्न। द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड underlying rock structure as well as the climatic conditions of the area. Okay. These are trellis, rectangular and radical pattern. The dendritic pattern develops where the river channel follows the slope of the terrain. The stream with its tributaries resembles the branches of a tree, thus the name dendritic. A river joined by its tributaries at approximately right angles develops a trellis pattern. A trellis drainage pattern develops where hard and soft rocks exist parallel to each other. A rectangular drainage pattern develops on a strongly joined rocky terrain. The radical pattern develops when streams flow in different directions from a central peak or dome-like structure. A combination of several patterns. Wait. इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हार्ड एंड सॉफ्ट के केस में यहाँ पे आप इसको हार्ड एंड सॉफ्ट अप्लाई करोगे, इस वाले केस में हार्ड मोस्टली रहेगा, मोस्टली क्या रहेगा हार्ड रहेगा, सॉफ्ट कम रहेगा, ठीक है। तो हार्ड रॉक होंगे वो ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, सॉफ्ट वाले कम, यहाँ पे दोनों इक्वल लगभग होंगे, ओके ये बात ध्यान रखिएगा। आगे कंटिन्यू करो। ट्रेलीज में रेक्टेंगुलर में कम होगा सॉफ्ट, ट्रेलिस में ज्यादा होगा, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट पर दोनों पैरेलली एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे हार्ड ज्यादा होगा। अब एक ही, अब ये पूछा जा सकता है क्या एक ही रिवर सारे पैटर्न फॉलो कर सकती है? यस फॉलो कर सकती है, स्टार्टिंग में डेंड्रेटिक जैसा फ्लो कर रही है, बाद में पता लगा कि अब एक ट्रिब्यूटरी आके राइट एंगल में मीट कर गया, ट्रेलिस हो गया है ना, फिर उसके बाद कुछ ऐसे फ्लो होने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर समवेयर, ठीक है ऐसे, फिर आगे रेडियल, तो ये डिपेंड करता है एक रिवर क्या कर सकती है सारे पैटर्न को फॉलो कर सकती है। सर रेडियल कैसे होगा आखिरी में? रेडियल स्टार्ट, रेडियल मान लो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पहाड़ से है ना, यहीं से मान लो यहीं से रेडियल हो गया, Even the large rivers are
flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. Can you define two such large rivers? Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. The Himalayan. समझ में आया यहाँ तक डिफरेंट डिफरेंट हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर सर एक बार पेनिनसुला का नाम पेनिनसुला रेनफेड होता है शैलोवर कोर्स होता है शॉर्टर डिस्टेंस होता है शैलोवर कोर्सेज होते हैं इसके ठीक है और ये हिमालय से जब हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तब है सेंट्रल हाईलैंड से कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लो कर रही हैं मैंने आपको पहले वाले जो फिगर बनाए होंगे उसमें बताया था ठीक है तो आपको नर्मदा तापी माही इन सब के बारे में बताया है ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं पेरियार भी है नीचे जाएंगे तो ठीक है क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो पेनिनसुला रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग दोनों है ना तो ये इसमें जितना दिया है उतना ही आपको बनाना उसी के बेसिस पे डिफरेंस बनाना है ओके सर एंटीसेडेंट रिवर्स आपने मानसरोवर की वो गंगा ब्रह्मपुत्र और एंडस बताए थे ना गंगा सतलज और ब्रह्मपुत्र यस सर गंगा आगे की हिमालय रिवर्स अब इंडस सतलज अब इंडस नदी का नाम है अब देखो सबसे पहला हमें अब हिमालय रिवर में तीन नदी को पढ़ना है इंपॉर्टेंट है इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र A river along with its tributaries may be called as river system. ठीक है उसको may be called as river system. अपने river अपने tributaries के साथ अब यहाँ पे हम आते हैं ठीक है इस पैराग्राफ को समझने से पहले यहाँ पे आते हैं यहाँ से देखो ये ओरिजिनेट हो रही है देखो आपके ये मैप वाला काम भी साइड बाई साइड चल रहा है इसको ध्यान से समझना आप ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है इंडस तो इंडस रिवर जो ये ओरिजिनेट हो रही है मानसरोवर से ये रास्ता फॉलो कर रही है लद्दाख में एंट्री हो रही है यहाँ पे इनके कुछ जो है कि क्या ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर नुब्रा श्योक हुंजा ठीक है कौन कौन से हैं जस्कर हुंजा श्योक नुब्रा उसके बाद यहाँ पे देखो आपके क्या है एलओसी है ठीक है तो यहाँ पे एलओसी से बल्तिस्तान और गिलगित से होते हुए ये फिर से इमर्ज कर जाती हैं पाकिस्तान में एटॉक से फिर से इमर्ज होती हैं और धीरे धीरे इंडस फिर इस साइड में फ्लो करते हैं अब इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपने ये पढ़ा है झीलम चिनाब रावी सतलज है ना ब्यास ठीक है दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर जो कि आके कहाँ मिल रही हैं मिठानकोट में मिलती हैं वेयर दे बिट मिठानकोट Yes, sir, मिथान कोट इन पाकिस्तान हाँ फिर उसके बाद ये फर्दर आगे बढ़ती हैं ठीक है और आगे जाके किसमें मर जाती हैं अरेबियन सी में तो यही इनका डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस अगर आप इनके देखें तो 2900 किलोमीटर है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में ये जानी जाती है इंडस नदी ठीक है इंडस नदी के बारे में ये भी शब्द हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी भी है इंडस वाटर ट्रीटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 1960 NTSC, GST, GSTSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वाटर ट्रीटी मतलब समझौता हुआ है ठीक है समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है इस समझौता के तहत जो इंडस नदी और का पानी है उसका इंडिया और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी है उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा 20% इंडिया यूज करेगा और ये ट्रीटी का जो इंटरमीडिएटरी था ठीक है जिसने ये ट्रीटी करवाई है वो है वर्ल्ड बैंक ठीक है तो 20% इंडिया को मिलता है 80% पाकिस्तान को मिलता है इंडिया जब कहता है कि इंडिया कहता है कि भाई हम इस पे पानी का और इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान कहता है कि फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ है ना तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए इंडस वाटर के इंडस रिवर के बारे में ठीक है तो फिर इंडिया ने उसमें साइन कैसे करी ट्रीटी इंडिया साइन क्यों कर रही है ट्रीटी ये तो जवाहरलाल नेहरू बताएंगे प्रॉपर सर सारे डिसीजन गलत थे क्या बताएंगे तो सर फिर इंडिया ब्लॉक कैसे कर देता है पानी तब युद्ध नहीं होता कोई भी ब्लॉक कर देंगे तो
पाकिस्तान ने कहा है अगर आपने यहाँ के पानी को रोका भी या यूज किया ज्यादा तो आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा। सर 20% मतलब जितना एरिया इंडस रिवर का मतलब जितना ही जगह जो भी वाटर कंटेंट है उसके 20% आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल। अच्छा सर इंडिया की बहुत सारा इंडस को बहुत सारा पार्ट तो इंडिया में भी है ना? बहुत सारा पार्ट नहीं, ज्यादा पार्ट आपका पाकिस्तान में। सर पाकिस्तान से कंपैरेटिव तो इंडिया में एक कम ही पार्ट आता है ना? हाँ। और सर उस कम पार्ट में से भी सिर्फ 20% ही यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। युक्ति कंटिन्यू। यस सर। The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. The Indus River System. The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. Flowing west, it enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms a picturesque gorge in this part. देखो pictures क्यों पूछो, pictures क्यों जो आप पूछोगे देखने लायक, ठीक है? Pictures क्यों, picture देखने लायक सुहाना अच्छा gorge, ठीक है? In this part. इसके बाद tributaries लद्दाख वाले बहुत important है, multiple time NTSC competition में पूछा गया है, है ना? Continue. Several tributaries, the Zaskar, the Nubra, the Shayok, and the Hunza join in the Kashmir. The Indus flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. The Satluj, the Bias, the Rabi, and Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus River in Mithanport in Pakistan. Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 20. The longest rivers of the world, a little over a third of the Indus Basin is located in India, in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab, and the rest in According to the regulations of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% river system. This water is used for irrigation in the Punjab, Haryana, and the southern and western parts of Rajasthan. ठीक है, ये सारे area आप क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं इन 10 वाटर का, ठीक है? तो ये सारे points बिल्कुल ये लिखना है, तो ये notes से बनाएंगे तो ये सारे points को आपको लिखना है, और socialism in Europe जो पढ़ाया है वो भी, I think इसके बाद हमारी क्लास इस वीक में नहीं है, है ना? ये है? नहीं है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? ये आप इस वीक का लास्ट है ना, मतलब GSTSC से पहले ये क्लास है, ये लास्ट क्लास है GSTSC से पहले। हाँ, तो इसमें जो है जितना भी मैंने पढ़ा दिया है उसको अच्छे से, डेल्टा और एस्टुरी अभी हम लोग नर्मदा तापी जब पढ़ेंगे मनोज, तो फिर से मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? हालांकि फिर भी आप देखो तो आपको प्लेमेंट टर्म में फिर से बता दे रहा हूँ, जब फ्रेश वाटर रिवर सैंड सिल्ट कैरी करती है और मरीन वाटर से मिक्सअप होती है तो डेल्टा बनाती है, और जब फ्रेश वाटर विथाउट सैंड सिल्ट, ठीक है, मिक्सअप होती है मरीन वाटर से तो एस्टुरी बनाती है। ओके सर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट सर दूसरा नेम क्या बताए हैं, एग्जाम अच्छे से दें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय और आईडियाज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हां गुड इवनिंग। डाउट है किसी का बच्चे का, बताओ डाउट। सर नेम एस्टोरिया। एस्टुरीज गूगल पे लिखो, एस्टुरीज डेल्टा एंड एस्टुरीज आपको मिल जाएगा। ESTUARY।
हाँ बोलो मानस, कुछ कह रहे हो? यस सर, सर हमने पढ़ा था कि यमुना और गंगा सर आपस में मीट करे थी, तो सर उस टाइम पे जो ट्रिब्यूटरी होगी सर वो गंगा होगी कि यमुना होगी? ट्रिब्यूटरी गंगा होगी ना, सॉरी ट्रिब्यूटरी यमुना होगी ना, यमुना तो आके मिल जा रही है फाइनली गंगा, गंगा तो स्टार्ट हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से और सीधे जाके फिर वो बे ऑफ बंगाल में क्या होती है मिक्सअप हो जाती है, ठीक है? ओके सर, तो जो यमुना है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा, मतलब सर जो जो कहीं से निकलती है वो हमारी मेन रिवर होती है और जो जॉइन होती है बीच से आके वो ट्रिब्यूटरी होती है। हमेशा ठीक, ये बात हमेशा सही नहीं है हमेशा के लिए, ठीक है? कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि मेन दो रिवर आके मीट करते हैं, डिस्टेंस भी देखा जाता है, ठीक है? अब यमुना के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज नहीं है बट गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरी। अब ये केस आप देखोगे इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है वो आके जाके बांग्लादेश में मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि गंगा के ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है, वो मेन रिवर है, ठीक है? चलो हम लोग डिस्कस करेंगे और थॉरली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नोट्स बनाओ और उसको मेल पे भेजो, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, बाय सर, गुड बाय सर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। Good evening, everyone.